मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा कांग्रेस का प्रचार महाअभियान। भोपाल और जबलपुर में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। राज्य में 17 नवंबर को है चुनाव। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। दुर्ग में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दिखाया दमखम। आज सीएम अशोक गहलोत करेंगे जनसभा को संबोधित। कई जगह आयोजित होंगी रैलियां। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी को सता रहा हार का डर। आज ग्वालियर शिवपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। जनता को लुभाने की कोशिश। राजस्थान में दम दिखाने की कोशिश में वसुंधरा राजे। आज दाखिल करेंगी चुनाव के लिए नामांकन। बीजेपी ने राजे के सामने टेके थे घुटने। चुनावी सरगर्मी के बीच आज छत्तीसगढ़ आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 9 विधानसभाओं में करेंगे चुनावी रैलियां और जनसभा को संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में अखिलेश यादव ओबीसी वोटरों पर साधेंगे निशाना। आज करेंगे गोरखपुर का दौरा। नई महासभा रैली को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरेंगे अरविंद केजरीवाल। आज कई जगह करेंगे जनसभा और चुनावी रैलियां। चुनाव से पहले भाजपा को फिर लगा तगड़ा झटका। बागी भाजपा नेता के समर्थन में 200 पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। कहा भाजपा का कर देंगे 1980 जैसा हाल। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही, 132 की मौत, हजारों घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ, कहा हर संभव सहायता करेंगे। हरियाणा में अब पराली जलाने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। अब पराली जलाने पर देना होगा जुर्माना। अब तक 900 से ज्यादा लोगों पर काटे जा चुके चालान। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा एयर पोल्यूशन, गंभीर कैटेगरी में AQI। हालात से निपटने में 500 से ज्यादा टीमें ग्राउंड पर उतरेंगी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच महासंग्राम, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। वर्ल्ड कप दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहा। देश में बदल रहा मौसम का मिजाज, सुबह शाम बढ़ने लगी ठंड। पहाड़ों पर भी तापमान में दर्ज हो रही तगड़ी गिरावट। तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए खुशखबरी, आज इन राशियों को मिलेगी व्यापार में उन्नति, होगी शांति।